बीकानेर के स्वरूप देसर के बोजूसर मार्ग से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रक में भरे हुए सरकनों के तार के साथ शॉर्ट सर्किट होने से एक बड़ा हादसा हो गया और ट्रक में आग लग गई। बताया जा रहा है कि सरकनों से काश्तकारों के लिए झोपड़ी बनाने के लिए ट्रक जा रहा था। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर की सूझबूझ से आगे का हिस्सा खोल दिया गया ताकि ट्रक में आग ना लगे। शॉर्ट सर्किट होने से ट्रक के डीजल की टंकी फट गई। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों के सहयोग से फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार ट्रक मांगीलाल बिश्नोई का था जो खिंदासर निवासी थे। घटना की सूचना मिलते ही नाल थाना पुलिस के SHO गोपीचंद अपनी टीम के साथ पहुंचे और बोलासर सरपंच चतर सीए भी मौके पर पहुंचे। ताजा खबरें सबसे पहले देखने के लिए SSS News को सब्सक्राइब करें और पास में दिख रहे बेल आइकन पर ऑल को ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले आए।